भारत की संत परंपराओं और भारत की संस्कृति को देश और विश्व में पहुंचाने वाले सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। आज जो ये संत सभा है, जिसमें हमारे परम पूज्य संत विराजमान हैं, जिन्होंने अपनी तप तपस्या से, अपने समर्पण से इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं को पहुंचाकर एक मानव कल्याण का काम किया है। आज हम सब के श्रद्धे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, जिन्होंने अपने जीवन में तप तपस्या आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण रक्षण संवर्धन और जिन्होंने अपनी तपस्या से हजारों लाखों संतों को साधु की दीक्षा दी और श्रेष्ठ परंपराओं को पहुंचाने के लिए देश और दुनिया में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कायम की जिसके कारण आज पूरे देश में और पूरे विश्व में भारत के आध्यात्मिक और संस्कृति का वाहक के रूप में बने हुए हैं। आज आचार्य पीठ की दिव्य 25 वर्ष हुए हैं और इस 25 वर्ष में ये दिव्य महोत्सव, जिसमें मुझे भी आने का मौका मिला, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ हूं कि आप जैसे इतने संतों का आशीर्वाद मिला, आपका आध्यात्मिक ज्ञान, आपकी वाणी, आपके ज्ञान का कुछ लाभ हमें भी मिले और हमारे बीच में माननीय राजनाथ सिंह जी जो राजनीति के अंदर जिन्होंने एक शुचिता से अपना जीवन को जिया, संगठन के अंदर भी उन्होंने एक ऐसे संगठन में अपने जीवन को समर्पण किया जो आज देश और प्रदेश के अंदर शासन कर रहा है। और रक्षा मंत्री के रूप में जिन्होंने देश नहीं पूरे विश्व के अंदर एक मिसाल कायम की कि हम केवल हमारे देश की नहीं रक्षा कर रहे, विश्व के अन्य देशों के अंदर भी सब अपनी अपनी संप्रभुता से रक्षा करें, उसके संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी एक अभूतपूर्व काम किया। आज जो संत यहां विराज रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन को तप तपस्या और कितना समर्पण है, उनकी तपस्या के कारण आज एक संत परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की परंपरा से एक मानव निर्माण का काम किया। हर चुनौतियों से, कठिनाइयों से लड़ने का आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जिसके कारण मन में कभी भी पीड़ा हो, दर्द हो, अवसाद हो, उस अवसाद को आध्यात्मिक ज्ञान से, अपनी संस्कृति से, ज्ञान से उसको जीवन जीने की राह दी। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी ने केवल देश में नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर
सनातन संस्कृति परंपराओं के साथ हिंदू धर्म और ग्रंथों को जिस सरल भाव से प्रस्तुत किया, आज पूरा समाज उनका ऋणी है, जिन्होंने आम जनमानस के अंदर सनातन संस्कृति और ज्ञान को सरल भाव से पहुंचाया, जिनकी व्यान वाणी से, जिनके ओजस्वी तेज से आज हजारों सन्यासी, लाखों सन्यासी इसी जूना पीठाधीश में सन्यासी बनकर और भारतीय संस्कृति के वाहक बने हुए हैं। मैं आज स्वामी जी के चरणों में सत प्रणाम करता हूं। स्वामी जी का प्यार स्नेह अटूट है, जिससे उनका एक बार मिलना हो जाता है, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनका आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान, उनका आध्यात्मिक प्रेम, और जिस तरीके से बाबा रामदेव जी कह रहे थे कि जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति संत परंपराओं को केवल देश में नहीं दुनिया में पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने अपनी वाणी से, लेखक से, शब्दों से और विशेष रूप से उनके तेजस्वी भाव, उनके तेजस्वी चेहरे से दुनिया का हर आम आदमी प्रभावित होता है। आज मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस 25 वर्ष के अंदर इस संत परंपरा को और आगे बढ़ाया और संत परंपरा और भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक को प्रतिस्थापित किया। हम सब भारतवासी उनके ऋणी हैं, जिन्होंने संस्कृति और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया। उनका जीवन करोड़ों लोगों के जीवन का बदलाव बना और आज करोड़ों लोग उनके वाणी से, उनके ज्ञान से, उनके लेखन से निश्चित रूप से मानवीय जीवन को प्रभावित किया और व्यक्तित्व निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं पुनः आचार्य जी को प्रणाम करता हूं और आचार्य जी के 25 वर्षों के अंदर उनकी तप तपस्या, उनका समर्पण, उनका सेवा, उनका आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको दिव्य अनुभूति भी देता रहेगा और दिव्य ज्ञान भी देता रहेगा। मैं पुनः सभी संतों को प्रणाम करता हूं।